हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं प्रशांत कुमार, मेरा चैनल एफ एन ओ ट्रेडर एंड एनालिस्ट प्रशांत, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आशा करता हूँ आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, जिसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, वो आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल के और भी वीडियोज़ को देखें, और अच्छे लगे तो अपने जानने वाले, अपने नीडी पर्सन है, उनको शेयर करें। और चलिए बिना देर किए आगे हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, अभी 2 दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को सेबी ने एक प्रेस रिलीज किया है, और जिसका टॉपिक आप शायद यहाँ पढ़ पा रहे होंगे। सेबी अंडरलाइंस द नीड फॉर एनालिसिस एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क ऑफ ट्रेडिंग इन एफएनओ। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट जो स्टॉक मार्केट में होता है ट्रेडिंग में, उसमें सेबी ने कुछ एनालाइज किया है, और उसके रिस्क रिवार्ड ट्रेडिंग जो डिटेल्स है वो सेबी ने अभी डिटेल में उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ ए वर्किंग ग्रुप सेबी हैज कंडक्टेड ए स्टडी एनालिसिस एनालाइजिंग द ट्रेंड्स इन बोथ पार्टिसिपेंट एंड इन प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर इन द इक्विटी एफएनओ सेगमेंट। स्पेशली ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिहाज से है, और सेबी ने इसको इसलिए पूरा एनालाइज करके बताया है, और बाकी डिटेल में हम जानेंगे आगे। द वर्किंग ग्रुप हैड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अकेडमिया, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ब्रोकर एंड मार्केट एक्सपर्ट। इन लोगों की मदद से इन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया है। टू कंपेयर रिजल्ट इन कंटेक्चुअल मैनर बिफोर एंड आफ्टर द पेंडेमिक, द स्टडी कवर्स द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021-22। द स्टडी इज बेस्ड ऑन अ सैम्पल ऑल इंडिविजुअल क्लाइंट। ये बिल्कुल जितने भी रिटेल इन्वेस्टर जो इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, एंड ऑल द टॉप स्टॉक ब्रोकर, जो सबसे टॉप स्टॉक ब्रोकर जैसे जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक, इस टाइप के ब्रोकर हैं जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होते हैं, उसके बेसिस पे ये लिया गया है। अकाउंटिंग फॉर 67% ऑफ द ओवरऑल इंडिविजुअल क्लाइंट टर्नओवर। अब इसमें जो 67% जो टर्नओवर हुआ है जो इंडिविजुअल्स का, उसके ऊपर ये एफएनओ सेगमेंट में उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। इसमें जो मेजर फाइंडिंग है वो कुछ इस प्रकार है। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ ओवर 500% इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर इन द इक्विटी एफ एन ओ सेगमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2022 21-22 एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2018-19। 2018-19 के मुकाबले 2021-22 के जो वित्तीय वर्ष है उसके दौरान जो इंडिविजुअल ट्रेडर हैं उनकी संख्या, ये जो इंडिविजुअल ट्रेडर आप देख रहे हैं, जो रिटेल ट्रेडर हैं, उनकी संख्या 500% बढ़ गई है। आप सोच सकते हैं कि कोविड के पहले जो ट्रेडिंग में लोग इंटरेस्ट नहीं रखते थे, ध्यान नहीं देते थे, बट अभी आप सेबी के रिपोर्ट के अनुसार भी आप समझ ही गए होंगे कि 500% इंडिविजुअल ट्रेडर की संख्या क्लाइंट्स की बढ़ी है। 98% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर इज द इक्विटी एफएनओ सेगमेंट ट्रेडेड इन ऑप्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22। जो इंडिविजुअल ट्रेडर हैं उसमें से 98% ने 2021-22 फाइनेंशियल वर्ष ईयर के दौरान ऑप्शन ट्रेडिंग किया है एफएनओ सेगमेंट में, और उसका परिणाम क्या है? 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन द इक्विटी एफएनओ सेगमेंट इनक्योर्ड नेट लॉसेस ड्यूरिंग बोथ द इयर्स फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021-22। मतलब 9, 10 में से 9 ट्रेडर हैं जो एफएनओ सेगमेंट में जिन्होंने नेट लॉस किया है। ऑन एवरेज लॉस मेकर रजिस्टर्ड ए नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज टू 50,000। आप सोच सकते हो कि 50,000 एवरेज लॉस, ये एक बहुत बड़ा रकम होता है। ये करोड़ों लोगों, करोड़ों ट्रेडर हैं, कोई छोटे ट्रेडर भी हैं, कोई बड़े ट्रेडर है, किन्होंने 10-20 हज़ार गंवाया है, किन्होंने 10-20 लाख गंवाया है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 द एवरेज एब्सोल्यूट नेट लॉस ऑफ ए लॉस मेकर वॉज ओवर 15 टाइम्स द नेट प्रॉफिट मेड बाई ए प्रॉफिट मेकर। इस दौरान जो लॉस हुआ है इसमें नेट लॉसेस जो है 15 गुना ज्यादा है जो प्रॉफिट मेक बनाते हैं लोग मार्केट में उससे। ओवर एंड एबव द नेट ट्रेडिंग लॉसेस इंक्लूड लॉस मेकर एक्सपेंडेड एंड एडिशनल 28% ऑफ नेट ट्रेडिंग लॉसेस एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट।
इसमें जो इन्होंने लॉस किया है रिटेल ट्रेडरों ने, उसमें से 28% से ज्यादा, लगभग 28% तो केवल ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन चार्जेस दे दिए हैं, जो कि वो लॉस होता नहीं है। अगर आप एवरेज देख लें कि अगर एक बंदा 1,000 रुपया लॉस करता है तो उसमें 280 रुपये उसने एवरेजन ट्रांजेक्शन चार्ज और एसटीटी वगैरह दिया है। ये सब केवल इसलिए होता है क्योंकि अननेसेसरी ट्रेडिंग, जो मैंने पहले भी बताया है कि अननेसेसरी ट्रेडिंग कॉजेज लॉस, इसमें लॉस होता ही होता है। फिर और इसमें आप आ जाइए नेक्स्ट जो पैरा है, दोज मेकिंग नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स इनकर्ड बिटवीन 15% to 50% एफ सच प्रॉफिट्स एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो 15 से 50% है ट्रांजेक्शन कॉस्ट का। सेबी बिलीव्स दैट प्रिडिक्ट डेटा एनालिसिस एंड डिस्क्लोजर ऑफ दिस नेचर कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस इन्वेस्टर अवेयरनेस अराउंड मार्केट रिस्क। सेबी ने इसको इसलिए शेयर किया है ताकि जो नए ट्रेडर हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं, जो मार्केट में जंप कर जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ एक गैम्बलिंग हो रही है, सट्टाबाजारी हो रही है, उनको अवेयर करने के लिए ये डेटा को सर्कुलेट किया गया है ताकि वो अननेसेसरी लॉस बेयर ना करें मार्केट में। विद दिस इन माइंड सेबी विल शॉर्टली इशू गाइडलाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल रिस्क डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाई ब्रोकर एंड एक्सचेंज टू इन्वेस्टर। इसके अलावा सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर के भले के लिए ब्रोकर और एक्सचेंज को कुछ गाइडलाइंस जारी करने की बात कर रहा है और काफी जल्दी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा ताकि उससे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बच सके, मार्केट में ब्लाइंडली ट्रेड करके नुकसान जो हो रहा है वो ना हो सके। ये तो थी प्रेस रिलीज, इसकी डिटेल रिपोर्ट भी सेबी ने अपलोड की है जो कुछ 33 पन्ने की है। आप डायरेक्ट लिंक से क्लिक करके भी जा सकते हैं और मैं या सेबी की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन वाला जो पीडीएफ है मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये है एनालिसिस जो प्रेस रिलीज में जिसके बारे में जिक्र हुआ था, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर डीलिंग इन इक्विटी एफएनओ सेगमेंट। जो इंडिविजुअल ट्रेडर हैं जो इक्विटी के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में डील करते हैं और जिन्होंने फायदा या नुकसान को आया है, उसका पूरा समरी इस पीडीएफ में दिखाया गया है। इंफॉर्मेशन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपको हो सकता है बोर फील हो, बट ये इंफॉर्मेशन आप उम्मीद करें कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिसी एनालिसिस ने इसको अप्रूव किया है। इसके कुछ कंटेंट हैं जो इस प्रकार हैं, मैं इसके मोटे मोटे पॉइंट्स आपको दिखा दूंगा क्योंकि पूरी पढ़ने लग जाऊंगा तो 2-3 घंटे से ज्यादा का वीडियो एक मूवी बन जाएगी और मुझे नहीं लगता कितना कोई भी इंडिविजुअल ट्रेडर जो कि इस तरह के प्रवचन में इतना विश्वास रखता हो। ये कंटेंट है, ये बाकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव था वो है ये, टू एनालाइज द ट्रेडिंग बाय इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स विथ रिगार्ड टू नेट प्रॉफिट लॉस इनकर्ड बाय देम इन द इक्विटी फाइनेंस सेगमेंट फॉर द पीरियड 9 फाइनेंशियल ईयर 19 फाइनेंशियल 22 ओनली। द पीरियड्स ऑफ स्टडी हैव बीन सुटेबली सेलेक्टेड कीपिंग इन व्यू द इन्फ्लक्स ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन द लास्ट 3 ईयर्स सो एज टू कंपेरेटिवली एनालाइज द ट्रेंड्स बिफोर एंड आफ्टर कोविड-19 आउटब्रेक। इसमें क्लाइंट की डिटेल है जो मैंने बताया था कि 500% जो रिटेल इन्वेस्टर की संख्या बढ़ी है वो 10 गुना से ज्यादा है। एफएनओ सेगमेंट में जो है 45.2 लैक्स जो इन्वेस्टर है उनकी संख्या बढ़ी है, जबकि ये फाइनेंशियल ईयर 19 में 7.1 लाख था, जिसमें से अभी 88% एक्टिव ट्रेडर हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिविजुअल ट्रेडर जो हैं उनकी जो एज ग्रुप है ये 30 साल से 40 साल के बीच में है। हाईएस्ट शेयर इन पार्टिसिपेंट जो पूरे ट्रेडर की जो एवरेज निकाली जाए एज ग्रुप के हिसाब से तो 39% ट्रेडर हैं अक्रॉस ऑल एज ग्रुप जो मैंने बताया। फॉर यंगर इंडिविजुअल ट्रेडर 20 to 30 ईयर
20 से 30 साल की उम्र के जो ट्रेडर हैं उनका जो परसेंटेज है 11% है, ये फाइनेंशियल ईयर 19 में था, जो कि से बढ़ के 36% हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22 में। मतलब कि 2019 फाइनेंशियल ईयर में 11% जो 20 से 30 साल के उम्र के ट्रेडर थे उसकी संख्या बढ़ के 36% हो गई है। द ट्रेडिंग बाई इंडिविजुअल ट्रेडर इन इक्विटी एफ एन ओ सेगमेंट वॉर डोमिनेटेड बाई मेल्स, इसमें 80% से ज्यादा केवल पुरुष हैं जिन्होंने ये ट्रेंड ट्रेड लिया है 2 सालों के विगत 2 वर्षों में। लॉस मेकर का डिटेल यहाँ पे है, 89% ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेडर्स दैट इज 9 आउट ऑफ 10 इन इक्विटी एफ एन ओ सेगमेंट इनकर्ड लॉसेस विथ एन एवरेज लॉस ऑफ ₹1.1 लाख ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022। माई गॉड, प्रति व्यक्ति जो नुकसान हुआ है ट्रेडर्स में 89% जो ट्रेडर्स जो इंडिविजुअल ट्रेडर ने नुकसान किया है 1,10,000 के अप्रोक्स, वेर एज 90% ऑफ द एक्टिव ट्रेडर इनकर्ड एवरेज लॉस ऑफ ₹1.25 लाख ड्यूरिंग सेम पीरियड, और जो बाकी ये 90% लोगों ने ये बेयर किया है, बाकी जो एक्टिव ट्रेडर है उन्होंने जो लॉस किया है वो 1.2 लाख था जो इसी पीरियड के दौरान था। भैया नए ट्रेडर समझ जाओ। फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स एक्सक्लूडिंग आउटलायर्स ऑन एवरेज लॉस मेकर्स रजिस्टर्ड नेट ट्रेडिंग, अब इन दोनों को जो एवरेज कर दिया गया तो जो प्रेस रिलीज में मेंशन था वो 50,000 पर इंडिविजुअल नेट ट्रेडिंग लॉस काउंट हुआ है। ये कुछ खास इंफॉर्मेशन थी कि जो एफएनओ सेगमेंट में जो काम करते हैं विदाउट विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट नोइंग द मार्केट, ये उनके लिए खास करके है। बाकी आप इसमें वीडियो में पूरा समरी है कि कब किसमें कैसे कहाँ पे लॉस हुआ है, कैसे किसने किया है, ये बाकी पूरा प्रवचन टाइप ही होगा। अभी उसकी पूरी समरी है जिसका एज ग्रुप कम है, उसने कितने लॉस किए हैं, कब आया, बाकी इसमें कुछ समरी डिटेल्स और भी नीचे मेंशनड होगी। जो डेटा ट्रेड जिसमें सबसे ज्यादा हुआ है वो देख लीजिए, वो इस प्रकार है। प्रोडक्ट कैटेगरी में सबसे ज्यादा इंडेक्स ऑप्शन जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी जैसे ट्रेड होते हैं, स्टॉक ऑप्शन जैसे स्टॉक का ऑप्शन परचेस करना, इंडेक्स फ्यूचर बैंक निफ्टी निफ्टी का फ्यूचर में ट्रेड करना, और स्टॉक फ्यूचर स्टॉक के फ्यूचर को खरीदना बेचना। एज ग्रुप इसमें है 20 साल से लेकर 60 साल तक के ट्रेडर, महिला पुरुष दोनों हैं। बट सिटी का यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया हुआ है, टायर 1 टायर 2, ये बहुत डिटेल चीजें होगी, ये शायद हमारे काम की नहीं है। बट ओवरऑल मुझे इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये लगा कि एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करना दैट मीन्स बहुत हाईली रिस्क है, और आप कुछ डेटा है इंडिविजुअल ट्रेडर्स के जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे हैं। एक्टिव ट्रेडर फाइनेंशियल 19-22 टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर सैंपल इतना था। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 19 में इंडिविजुअल ट्रेडर की संख्या 7,06,000 थी, फाइनेंशियल ईयर 22 में 45 लाख है। ये ओवरऑल ऑल इंडिविजुअल्स का है, इसमें 85% लॉस मेकर थे 2019 में, मतलब लॉस तो लोग पहले ही भी करते थे, और इतने ज्यादा ट्रेडर होने के बावजूद भी ये लॉस का परसेंटेज 89%, यानी कि लोग बिना स्टडी के मार्केट में आकर के पैसा बनाने की उम्मीद करते हैं। प्रॉफिट मेकर्स पहले 15% थे 2019 तक, और अब 11% है इस बार। इसमें एक्टिव ट्रेडर जो हैं वो 6,17,000 19 में थे और 39 लाख फाइनेंशियल ईयर 22 में हैं, जिसमें देख ही रहे हैं आप डिटेल्स, फाइनेंशियल एडवाइस में 90% एक्टिव ट्रेडर ने लॉस किया है, 10% एक्टिव ट्रेडर ने फायदा किया है। नॉन एक्टिव ट्रेडर जो हैं उसमें भी फाइनेंशियल ईयर 22 जो 5,48,000 नॉन एक्टिव ट्रेडर इंडिविजुअल ट्रेडर थे उन्होंने भी 83% लॉस किया है, और 17% लोगों ने प्रॉफिट किया है। सेम ट्रिम ट्रेडर ओवरऑल आप देखेंगे तो लॉस का जो परसेंट है वो ही ज्यादा है, क्योंकि इंडिविजुअल ट्रेडर सबसे ज्यादा लॉस बुक करता है, और ये सेबी ने भी क्लियर कर दिया। आप इस ये डेटा है, इसी का चार्ट बना हुआ है,
आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर वाइज, इसमें फाइनेंशियल ईयर वाइज ग्रोथ ही हुआ है लॉसेस में और ट्रेडरों की संख्या में। ये आपका एवरेज समरी स्टैटिक्स जो प्रॉफिट एंड लॉस का है एफएनओ सेगमेंट में, वो इस प्रकार का डेटा है जो एवरेज लॉस लोगों ने बेयर किए हैं इस प्रकार से हैं। कभी कभी ये देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को शायद और ज्यादा इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है। एज ग्रुप वाइज जो नेट लॉसेस हुए हैं और नेट प्रॉफिट, मैं इस पीडीएफ का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जहां से आप लोग इजीली इसको रीड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जेंडर वाइज जो ट्रेडर्स हैं, ऑल इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो हैं, फीमेल 28%, मेल 67%, और एक्टिव ट्रेडर में 79% मेल हैं, 21% फीमेल। तो ये सब डेटा है। सो प्लीज डियर ट्रेडर्स, मैंने ये जो ट्रेडर्स के डेटा हैं, इन डेटा में मैं भी हूँ शायद कहीं ना कहीं, कि मैं भी अराउंड 20 लाख ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने नुकसान किए हैं, और ये मेरा ट्रूथ है, मैं कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा सबसे बड़ी जो गलती होती है जो मैंने किया है, लेट मी मूव टू द एंड ऑफ द पेज, ये पूरा स्टैटिक्स है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लें, और जब भी आपको लगे कि नहीं ऑप्शन में पैसा बनाना है तो एक बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ लें, ये शायद बहुत बेनिफिशियल होगा मेरे लिए भी और बहुत सारे नए ट्रेडर हैं उनके लिए भी। और मैं ऐसा करता हूँ कि सेबी और जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिन्होंने इसके पीछे अपना वो टाइम दिया है, उनका मेहनत सफल हो और लोग एटलीस्ट अवेयर हों, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था कि अवेयर करना, तो वो हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल, और कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन प्लीज कमेंट करके बताएं, और आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे ताकि मैं आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बताऊँगा धीरे धीरे। क्या कि बहुत सारी अफवाहें हैं मार्केट के बारे में जो लगता है लोगों को कि नहीं यहाँ पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल, सट्टा बजा रही है। रिपोर्ट के अनुसार अगर आप ओवरऑल एनालाइज करेंगे तो आपको यही लगेगा कि यहाँ कुछ नहीं है भैया, बस लोग आते हैं पैसा डुबोते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये वीडियो बस इन्फॉर्मेशन के लिए था। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, और किसी को कोई भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद।